काफी अच्छे होंगे। आपका स्वागत है मेरे चैनल सुमित स्टॉक मैजिक में। तो आज की स्टॉक मार्केट न्यूज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज की सबसे बड़ी न्यूज ये आ रही है जो आपकी ड्रूम कार 24 क्विकर इन सब ने मिलकर खुद का एक आईपीओ लॉन्च करने वाले हैं जल्दी 2000 करोड़ का। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग आईपीओ होने वाला है, आप लोग इसमें बेझिझक होकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। मुझे पर्सनली आईपीओ बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि एक स्टार्टअप के ऊपर बेस आईपीओ है तो थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। आपको पहले इसमें सब्सक्रिप्शन दिखता है, अगर अच्छा आता है तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण कह रही हैं कि स्टॉक मार्केट ने इस चीज़ को बड़ा अच्छा प्रिडिक्ट करा कि इनका जो बजट आया वो काफ़ी अच्छा है और मार्केट लगातार ऊपर की तरफ भाग रही है। तो ये बात बिल्कुल सच है क्योंकि मार्केट उनके बजट से आने से पहले ही भाग रही थी। बीच में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई थी तो इसके वजह से मार्केट थोड़ी सी नीचे आ गई थी, बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है, मार्केट ऊपर चल रही है। तो इस न्यूज़ का कोई इतना इम्पैक्ट होने वाला नहीं है। तो चलते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। आज MFCL का रिजल्ट आया है, मैक्स फाइनेंशियल सर्विस का नेट प्रॉफिट, जो इसका प्रॉफिट 54% के अराउंड बढ़ गया है। तो आप इस शेयर में लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप लोगों के लिए यही सलाह होगी। बाकी इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा, आप लोग देख सकते हैं 54% के अराउंड बढ़कर आया है। तो आज के एक एक्सक्लूसिव न्यूज़ एक और है, स्टील कंपनीज ने क्या करा है, CCCI नॉर्मल एलेस्ट प्राइस, मतलब ये कुछ नहीं, एक तरह से उन लोगों ने इसके ऊपर काफ़ी अभी स्टील के ऊपर बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर अभी खर्चा पानी बढ़ रहा है तो उसके ऊपर है अभी इतना इस न्यूज़ के बारे में नहीं है, अभी कह सकते क्या होता है इसके हमारे स्टील कंपनीज के ऊपर इसका इफेक्ट, वो देखने वाली बात हो गई जल्दी में। तो आप लोग भी इसके ऊपर नज़र बना कर रखें। अब एक इंटरेस्टिंग आईपीओ यानी कि काफ़ी नामी ग्रामी LIC का एक आईपीओ लॉन्च होने वाला है, तो आप लोग तैयार हो जाओ, इसे अप्लाई कर सकते हैं। ये आईपीओ भी काफ़ी अच्छा होने वाला है, इंडिया का सुनने मारा लार्जेस्ट आईपीओ होने वाला है ये अब तक का।